उत्तराखंड में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में 22 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, आंकड़ा 750 पहुंच गया है। तो उत्तराखंड हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में पॉजिटिव केस 750 पहुंच गए हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से अभी अभी रिपोर्ट के अनुसार अभी देहरादून में 14 कोरोना केस मिले हैं, जबकि हरिद्वार में 3 और नैनीताल में 5 नए केस मिले हैं। इसमें जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी प्रवासी बताए जा रहे हैं। एक ओर जहां सरकार ने अनलॉक 1 लागू कर दिया है, तो वहीं उत्तराखंड में राहत भरी खबर नहीं है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं आज उत्तराखंड में दोपहर के बाद 22 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसमें से देहरादून में 14, हरिद्वार में 3 और नैनीताल में 5 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड राज्य में 22 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। आपको बता दें कि आज दिन में भी उत्तराखंड में 11 मामले सामने आए थे। इसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 750 हो गई है। इसके साथ ही 102 लोग अभी उत्तराखंड में ठीक भी हुए हैं। तो अगर हम बात करें जिले की, तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीज संख्या 45 हो गई है, बागेश्वर में 16, चमोली में 11, चंपावत में 8, देहरादून में 185, हरिद्वार में 51, नैनीताल में 229, पौड़ी में 28, पिथौरागढ़ में 21, रुद्रप्रयाग में 5, टिहरी गढ़वाल में 74, उधम सिंह नगर में 62 और उत्तरकाशी में 14। तो इस प्रकार से 749 टोटल केस यहां पर सामने आ गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विशेष कार्य अधिकारी अभिषेक शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उनके मुताबिक अमृता रावत की तबीयत दो दिन से खराब थी। शनिवार सुबह देहरादून की एक लैब में उनकी कोरोना वायरस रिपोर्ट की जांच की गई। रिपोर्ट में अमृता रावत कोरोना वायरस संक्रमित पाई गई हैं। अब इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। बताया गया है कि अमृता रावत का प्राइवेट लैब आहूजा पैथोलॉजी में टेस्ट हुआ था। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 750 हो गया है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री की पत्नी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उत्तराखंड में हड़कंप मचा हुआ है। खास बात यह है कि कल हुई कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित थे। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि कैबिनेट मंत्री का भी कोरोना टेस्ट लिया जाए। तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये कोरोना किन किन मंत्रियों तक पहुँचा होगा, ये बड़ी खबर आ रही है। तो पूरे देश समेत उत्तराखंड में भी लॉकडाउन 5 का ऐलान हो गया है। तो इसमें नए दिशा निर्देश के अनुसार 8 जून 2020 से पहले चरण में धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आवश्यक जो सेवाएं हैं ये खोले जाएंगे। साथ ही शॉपिंग मॉल भी खोलने की अनुमति दी जाएगी। तो ऐसे में अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या चारधाम यात्रा है, इसको भी ढील मिल सकती है। तो बड़ी खबर आ रही है, इसके लिए जल्द ही यहाँ पे गाइडलाइन जारी हो रही है और यहाँ आशंका जताई जा रही है कि चारधाम यात्रा में भी छूट दी जाएगी, क्योंकि 8 तारीख से धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं। तो ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर के बड़ी खबर आने वाली है। वहीं दूसरे चरण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करने के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि खोले जाएंगे। वहीं तीसरे चरण में यात्रियों के लिए अंतर्राज्यीय हवाई यात्रा की तिथियां, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि का निर्धारण तिथि के आकलन के आधार पर किया जाएगा। वहीं आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। और कंटेनमेंट जोन की बात करें तो कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन आवश्यक गतिविधियां को अनुमति रहेगी।